हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। सो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो गेम का अपडेट आ चुका है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट अपडेट में आप लोग पढ़ोगे तो देख सकते हो तो ब्लूप्रिंट सिस्टम आ गया है। तो वैसे ब्लूप्रिंट पे तो सिस्टम उतना भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि आपको अपना ब्लूप्रिंट सिस्टम भी अपग्रेड करना पड़ेगा जिससे आप ज़्यादा बड़ा बेस का। अभी जो मैंने देखा था जब, तो इसकी लिमिट है 6 बेसल की है। तो आप लोग सोच सकते हो तो ज़्यादा बड़ा बेस का आप लोग नहीं ले सकते ब्लूप्रिंट, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब आपको शायद पैसा भी लगाना पड़ सकता है यहाँ पर। तो गेम वालों ने कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपका पैसा बचाने की, तो हर जगह से चूसने का है। तो देख सकते हो ये नया आ गया, तो देख सकते हो सन मून स्टार्स में। तो इसमें एक नया हेली ऐड किया है इन्होंने, और साथ ही साथ एक नया व्हीकल भी आया है, शायद टैंक है। उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, यानी टोटल उसका कैपेसिटी जो वो 10 लोग का है, 10 प्लेयर जो उसमें आ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है टैंक। तो ये सब तो इमोट आया है देख सकते हो, और जो करेक्टर था उसको भी अलग अलग कलर दे दिया है। मतलब इन लोग ने मतलब हर जगह से आप लोग का पैसा चूसने के लिए कर दिया है कि कहीं से भी आपका पैसा ना बचे। मतलब हर जगह से चाह रहे कि आप लोग से पैसा निकलवाया जाए, कहाँ कहाँ से निकलवाया जाए, इसलिए अलग अलग स्किन्स दे रहे हैं ये लोग। यहाँ तक कि अभी बहुत चीज़ दे रहे हैं। अभी आप लोग देखोगे तो स्टील के बाद भी अपग्रेड आ चुका है, टाइटेनियम एलॉय देख सकते हो, नया करेक्टर भी है। इसका करेक्टर का नाम जो भी हो, हमको क्या, हमको थोड़ी ना लेना है। तो जो भी हो, इसके साथ इमोट मिलेगा 680 का, ये है तो काफ़ी महंगा होगा ये। और ये देख सकते हो यही है टैंक, क्या नाम इसका, पैक कैमोफ्लेज टैंक। और ये कॉस्मिक हैवॉक हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर तो काफ़ी तगड़ा है, लेकिन इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी लगने वाले हैं आपके। और साथ ही साथ जो 10 कैपेसिटी वाला टैंक है वो भी काफ़ी है। तो यहाँ पर अलग अलग करेक्टर, एक ही करेक्टर के अलग अलग कलर्स दे रहे हैं, अलग अलग वर्जन दे रहे हैं हर तरह से पैसा निकालने के। क्योंकि देख सकते हो मेन जो करेक्टर वो यहीं पर है, इसके अलग अलग वर्जनस आए हैं और भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे एक नया करेक्टर भी दिया इन्होंने फ्री में, कौन सा, रोज़ नाम है इस करेक्टर का, रोज़ के जो भी वॉरियर है ये करेक्टर, तो ये करेक्टर है। और भी तो एक नया सिस्टम मार्शल पता नहीं क्या इन्होंने ऐड किया है, मार्स आर्ट कुछ भी। तो ये सब कंपनसेशन भी दिया है इन्होंने, पता नहीं क्या क्या। तो ये तो उनका पुराना नाटक है। तो यहाँ देख सकते हो, तो ब्लूप्रिंट में तो अभी आया होगा तो देखेंगे। पहले हम लोग देखो, ये है सिविलाइजेशन मेरिट्स, ये पता नहीं क्या है। तो फर्स्ट ल्यूटेनेंट है यहाँ पे मेरा, तो जितना ज़्यादा आप पीरो होगे यहाँ से पता चलेगा आपका, देख के कि कितना आप खेलते हो गेम। और ये देख सकते हो एक नया कार्निवल आया, तो यहाँ पे आपको नया चैट बबल भी मिलेगा और भी काफ़ी चीज़ यहाँ पे आया है। तो ये तो छोड़ो, और हाँ, लूपिन सिस्टम आया, एक नया मेटल भी आया है एलॉय। तो आप जो अपना बेस है स्टील के बाद, आप लोग एलॉय में यानी टाइटेनियम एलॉय जो भी है उसको अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा 40 C4 लग सकते हैं, 40-60 C4 लगेंगे उसको तोड़ने में। वॉल और डोर 20 C4 में टूटेगा। और ये देख सकते हो नई स्कूटी भी आई, अब ये कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो कैमोफ्लेज टैंक और जो हेली है वो तो वहाँ से मिलेगा, लेकिन इसका नहीं पता है कहाँ से मिलेगा, वो भी वहीं कहीं होगा, मैंने देखा नहीं, सन ने डाउनलोडेड ना कुछ भी हो, तो ये भी वहीं से मिलेगा ये भी। और ये देख सकते हो ये टैंक है, इसमें 10 लोग का कैपेसिटी अब है कि नहीं पता नहीं, कि मतलब जहाँ पे मतलब अपडेट का जो आया है वहाँ पे लिखा है कि कोई 10 कैपेसिटी वाला नया व्हीकल ऐड हुआ है, अब सारी यही है कि नहीं वो तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ पे लिखा है। तो अभी देख सकते हो यही सब है, हेलीकॉप्टर तो काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर, ये सब तो पुराना चीज़ है। और हाँ, ड्रैगन टैंक जो था उसमें भी कुछ इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन किया, उसमें कुछ चेस्ट लगा दिए हैं, तो शायद कुछ अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन वो हमारे पास है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हमारे लिए। तो यहीं पर आप देख सकते हो तो ऐड न्यू फ्लाइंग व्हीकल कॉस्मिक हैवॉक, और यहाँ पे देखो नीचे और लिखा था, तो कोई व्हीकल एक और आया जिसमें 10 लोग का कैपेसिटी है। और देख सकते हो ये है टाइटेनियम एलॉय, यहाँ पे नया माइन आया। तो आप लोग सब इसमें पढ़ोगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और यहीं पर मुझे पढ़ के एक और चीज़ पता चला है, इन्होंने एक नया जो है मतलब अपग्रेडेड वेपन ऐड किया है AKM का, आप लोग रिसर्च में देख सकते हो। तो ये जो ऊपर वाला है ये नया AKM मॉडिफाइड ये नया हुआ है, और देख सकते हो लेवल 8 तक कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या, देखो ये दोनों गन्स तो पुराने हैं, कि ये जो है M4 थंडर और जो ये आइस वाला जो क्यूबिजेट, ये दोनों पुराना है देख सकते हो। तो ये सब के 4 ही लेवल, जो नए जो भी 4-6 तो जो भी नए स्किन्स आए हैं तो उसमें 8 लेवल कर दिया। तो अब उसमें 8 लेवल कर दिया तो यहाँ भी देखो आपका पैसा चूसेंगे, यहाँ पे भी 8 लेवल कर दिया, तो इसको में 4th लेवल पे आपका किल अनाउंसमेंट आएगा। तो देख सकते हो 2 लेवल पे नहीं, आपको 4 लेवल करना पड़ेगा अगर ये नया वाला स्किन लेते हो, तो 4 लेवल पे ही आपका जाके किल अनाउंसमेंट ऐसे जाएगा, देख सकते हो सभी पे। जो जो 8 लेवल का मतलब जो 8 लेवल का ये वेपन है, तो उसमें आपको 4 लेवल करना पड़ेगा तब जाके किल अनाउंसमेंट जाएगा। वहीं जो पुराना वाला गन था देख सकते हो, इसमें 5 लेवल, तो इसमें आप लोग 2 ही लेवल पे अनाउंसमेंट आ जाएगा। और ये इंक आइस है, तो ये पोलर वाला जो भी है, तो ये तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन ये आप लोग को मिल सकता है थंडर।
स्पिन करके आप लोग निकाल सकते हो। और जो इंक आइस वाला वो तो बैटल पास में आया था, तो वो अभी पता नहीं कब आएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता आएगा वो दोबारा। तो यहाँ पे गाइस 6 की मिली, यानी एक की तो वहाँ से मिली और एक 5 की इन्होंने दी है कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ मैं स्पिन कर रहा हूँ तो बग हो गया है मेरा, देख दो। तो अब देखो अभी आप लोग जो अभी मुझे रिवार्ड मिलेगा वो ऐड नहीं होगा, जब मैं अगला स्पिन लगा दूंगा तभी ऐड हो रहा है, तो ये बग है कुछ, तो हो सकता है शायद रीस्टार्ट के बाद हो जाए। तो यहाँ पे हम कुछ भी स्किन ले लेंगे, 5 की 6 की मिले हैं, तो देखते हैं क्या मिल जाता है यहाँ पर। तो मुझे चाहिए जो एक्सप्लोजिव SFX आता है वो लेना है मुझे, तो उसके लिए 50 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो 4 बार स्पिन हो गया है तो 39 हुआ, देखते हैं इस बार अच्छा हो जाएगा वैसे, देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से 9 हो गया, लेकिन देखो अभी ऐड नहीं हुआ, जब मैं दोबारा स्पिन करूँगा तब जाके ऐड होता है, ये कुछ बग है इसका। तो देखो मुझे यही लेना है वैसे तो, अच्छा ये भी, अब देखते हैं वैसे ये भी रहेगा सही, वैसे मेरे पास है नहीं कोई, तो ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पिन कर दिया है, तो देखो गाइस स्पिन करने के बाद ऐड हो रहा है। तो देखो अभी जो मिलेगा ना रिवार्ड वो ऐड नहीं हुआ, देख सकते हो 9 मिला है तो अभी 9 ऐड नहीं हुआ, देख सकते हो। जब मैं दोबारा स्पिन किया तभी ऐड हो रहा है, ये बग है, शायद हो सकता है फिक्स हो जाए। तो अभी जैसे कुछ मिलेगा नहीं फ्री में, जब तक आप लोग लक अपना फुल नहीं करोगे तब जाके आपको वो रेयर आइटम मिलेगा स्पोर्ट्स कार्ड, जहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे तो पूरा स्पिन हो गया, 58 ही हुआ है और मेरा एक की का रिवार्ड जो वो नहीं दे रहा है, तो अभी चलो 50 हो गया। तो हम लोग जो है बॉर्डर रिडीम कर सकते हैं, लेकिन SFX रिडीम कर लेते हैं, बॉर्डर तो फिर आएगा तो फिर कभी रिडीम कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भी पैसा मत बर्बाद करो गेम में, इस गेम में तो बिल्कुल भी नहीं, टट्टी गेम है, बिल्कुल ही पे टू विन है। तो आपको लगाना लगा सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा आपसे मज़े के लिए खेलो, इतना पैसा लगा के क्या फ़ायदा। अब आप लोग कहोगे तेरे पास है ही नहीं तो लगाएगा कहाँ से, तो अब वो बात अलग है। आप लगा देखो, यहाँ पे टॉप अप रिवार्ड भी मिलेगा आपको, नया 30% का कूपन। मैंने यहाँ पर जब रिडीम किया था मुझे 50% ऑफ कूपन मिला था, लेकिन वो ग्लाइडर पे अप्लाई नहीं हुआ, तो जिससे मुझे लेना पड़ गया ये वाला ग्लाइडर, वो भी गलती से, नहीं तो मुझे स्केटबोर्ड वाला लेना था। तो अभी ऑपरेशन बेस में का जो TT वाला सिस्टम है, यानी ट्रेड टिकट, वो आ चुका है, तो अभी हम लोग चल के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं SK के ऑपरेशन बेस में आया हुआ था मिशन कराने, तो अभी हम लोग चलते अपने ऑपरेशन बेस में यहाँ पर। तो वहाँ पे मैं देख हम लोग देखेंगे कि मतलब आया है कि नहीं, वाकई में इससे आने वाला था, सुनने में आ रहा था कि अपडेट के बाद लाएंगे ये, तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट था काफ़ी, क्योंकि 2 GB कम से कम ले लिया मेरा प्ले स्टोर से, और अंदर से 1 GB, लगभग 3 GB मेरा खाली अपडेट में खा गया, जिससे मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो थोड़ा डाल रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ पर तो मेरा वापस हो गया बीकानी, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ग्लाइडर हो गया था, तो मैंने ऑपरेशन बेस में भी अपना ग्लाइडर क्राफ्ट कर लिया है, और साथ ही यहाँ पे टावर भी बना दिया है, मतलब ग्लाइडर यूज़ करने के लिए। तो ये है अपना ऑपरेशन बेस, तो उसकी स्किन कुछ को डाउनलोडेड नहीं है, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो हाईलाइटेड दिख रहा है, अब वो क्या है मुझे समझ, शायद मेरे हिसाब से डेली क्वेस्ट का ही होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है ट्रेड टिकट, अब देखते हैं गाइस क्वांटिटी कितनी होती है, ट्रेड टिकट कितना मिलता है, पहले से ज़्यादा ज़्यादा मिलता है कि नहीं, कम से कम 30-40-60-70 ऐसे मिलता है ट्रेड टिकट। तो अभी देखते हैं कितना मिलता है गाइस यहाँ पर, तो अभी हम लोग पूरा मिशन भी करना होगा। और गाइस को तो कमेंट में पूछा था भाई ने, जिसने भी पूछा था, मुझे इतना याद नहीं है, तो किसी ने पूछा था कि ऑपरेशन बेस का स्किन कैसे चेंज करें। तो देखो स्किन चेंज करने का 2 तरीका है, या तो अगर आपके पास स्किन है तो आप उसको स्किन डाउनलोड कर लो और उसको लगा के आओ, मतलब उसको इक्विप करके आओ स्किन, और जहाँ पे भी आपको लगाना है मतलब जिस चीज़ का है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करो और वो दोबारा प्लेस करो, तो ऐसे स्किन आ जाएगी। या फिर आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, वो मैं आपको भी बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर देख सकते हो लाउड स्पीकर में तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर आप समाउन कर सकते हो हेली और स्वीप अगर आप चाहो तो, और बस यही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्किन कैसे चेंज करना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सीधा आपको TC पे जाना है अपने, मतलब आप चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास स्किन है, आपके फ्रेंड के पास स्किन, तो उसको ऑपरेशन बेस में अपने परमिशन दो और बोलो कि वो आपके ऑपरेशन बेस में आ जाए, फिर उसको जाना है यहाँ पे क्विक चेंज नीचे लिखा था, वहाँ पे जाके कोई भी स्किन चेंज कर सकता है। जैसे देख सकते हो मेरे पास बैट की स्किन है, और यहाँ पे अगर पूरी बेस की स्किन है तो वो पूरी बेस की स्किन कर सकता है यहाँ पे। जैसे मेरी बेस की स्किन पुरानी वाली थी जो सबके पास है, लेकिन यहाँ पे मैंने बिग ब्रो से अपनी स्किन चेंज करवाई थी बेस की बुला के, तो यहाँ देख सकते हो आपको कन्फर्म करना चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्रिज का 2 स्किन है, तो अभी देखते हैं हमारे पास कौन सा स्किन है फ्रिज का, तो हम लोग चेंज करेंगे स्किन यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, आप खुद चेंज कर सकते हो, अगर आपने स्किन डाउनलोड कर ली है बाद में, पहले स्किन नहीं थी बाद में स्किन आ गई तो आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो आप किसी फ्रेंड से भी करवा सकते हो जिसके पास स्किन है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी स्किन लगाते हैं, तो लेकिन ये कूलडाउन में चला गया, तो 30 सेकंड के बाद शायद हो जाए, तो या हो सकता है बग हो जाता है कभी कभी गाइस, तो आप गेम रीस्टार्ट करोगे तो हो सकता है स्किन आ जाए। चलो उसकी कोई बात नहीं, उसका तो स्किन चला गया, तो अभी देखिए कुछ और का जो स्किन चेंज हो सकता है यहाँ पर। तो आप जो भी स्किन चेंज करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, देख सकते हो। तो शॉटगन का देख लेते हैं शायद स्किन है कि नहीं, मैंने शायद क्विक चेंज कर दिया था पहले ही,
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ दोनों ही का है। देख सकते हो इसका भी स्किन है लाल वाला, देखो इसका भी लाल वाला है, मतलब मैंने पहले चेंज कर लिया था क्विक चेंज, तो आप भी कर सकते हो अगर अपने प्लेस किया हुआ आपको डिस्ट्रॉय करके, जैसे आप लोग मान लो ट्रैप प्लेस किया हुआ यानी शॉटगन ट्रैप, तो आपको स्किन लाने के लिए उसको दोबारा प्लेस करोगे तब स्किन आएगी, लेकिन आप यहाँ पे प्लेस्ड है पहले से तब भी आप चेंज कर सकते हो स्किन क्विक चेंज से, तो ऐसे ही होगा। तो मैंने देख सकते हो पूरी बेस की बिग ब्रो की इससे चेंज करा दी थी, बस विंडो की बच गई है, तो वो रहने दो, विंडो अच्छा ऐसी लग सही है, विंडो ऐसा होना चाहिए जिसके आर पार ना दिखे, वो विंडो होता है ठीक। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कोई भी स्किन नहीं है, तो जो जो थी मेरे पास चेस्ट का भी स्किन मैंने तोड़ के दोबारा नहीं प्लेस किया, बस मैंने क्विक चेंज से यहाँ पे चेंज कर दिया था, तो काफ़ी इजी होता है। देख सकते हो सारी स्किन आपकी दिखाएगा आपको, बस सेलेक्ट करना वाली स्किन, और जैसे मेरे पास बैक का स्किन देखो कंफर्म कर दिया, तो देखो स्विच हो गया, अगर नहीं होगा तो थोड़ा टाइम देगा, या फिर अगर नहीं अगर हो दिखा दिया हो गया, अगर आपको स्किन नहीं दिख रहा है तो आप गेम रीस्टार्ट कर सकते हो। तो स्लीपिंग बैग तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, स्लीपिंग बैग सीधा एक एवेंजर के पास और जहाँ टैंक फोड़ते हैं वहाँ पे होगा, तो उतना दूर जाने का टाइम नहीं। अभी हम लोग चलते हैं मिशन करने, तो मिशन कर लेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे, ट्रेड टिकट देखते हैं कितना मिल रहा है। और गाइस देख सकते हो ग्लाइडर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है अपना, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गेम अटक रहा है, देख सकते हो लैग कर रहा है, तो यही है ग्लाइडर यूज़ करने का टट्टी डिवाइस के साथ। मुझे लेना ही नहीं था दरअसल ग्लाइडर, मैं तो वेट कर रहा था जब तक स्केटबोर्ड पे ना आ जाए, देख सकते हो बग हो गया मेरा स्केटबोर्ड पे ना आ जाए ग्लाइड ऑफर, तब तक मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन इस पे आया था ऑफर और गलती से बाई हो गया, नहीं तो भाई देखो हमारे हमें कोई ग्लाइडर की ज़रूरत नहीं थी। अभी देखो ले तो लिया, लेकिन देख सकते हो इतना लैग कर रहा तो क्या फ़ायदा ग्लाइडर का, तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको देखो यहाँ पे मिशन करना है तो आप बहुत लोगों को पता होगा सारे आपको एमओ चेस्ट जितने भी सप्लाई चेस्ट कम से कम आपको 3 सप्लाई चेस्ट, एक टूल बॉक्स और एक फूड चेस्ट आपको तोड़ना होगा, तो अभी यहाँ पे हम लोग तोड़ लेते हैं। और आपको मार्टबोर्ड से एक आइटम भी बाई करना होगा, और साथ ही साथ ग्रीन रूम ओपन कर लो, अगर आप ब्लू रूम कर सकते हो तो ब्लू रूम भी कर लो, तो उससे और जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसे ग्रीन रूम करूँगा क्योंकि ब्लू का जल्दी मिलता नहीं, और एमो चेस्ट के बिना करूँगा ठीक है। गाइस यहाँ पर हमें ग्रीन रूम में एमो चेस्ट मिल गया, तो वो काफ़ी रेयर होता है, कभी कभार मिल जाता है, तो हमने तो मतलब वो तो कर लिया, लेकिन हम लोग मतलब जो उसका पॉइंट्स है तो वो क्लेम नहीं करेंगे बिना एमो चेस्ट का, भी आपको करके दिखाएंगे। तो अपने मार्टबोर्ड से भी हमने बाई कर लिया, और यहाँ पे 5 ब्लू आइटम या फिर येलो आइटम तोड़ लेना, तो वो भी हमने कर लिया यहाँ पर। तो अभी हमको इसके बाद चलना है बेस पर और कुछ भी रिपेयर करने लगा, तो मैं तो स्टोन एक्स रिपेयर कर लेता हूँ हमेशा, 2 बार इसको मारता हूँ, थोड़ी सी एचपी कम रहती है तो कम लगता है काम हो जाता है, या अगर आपको कुछ रिपेयर करना है तो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टोन एक्स रिपेयर कर लिया, लगभग सब चीज़ कर लिया मैंने यहाँ पर, तो अभी मैं आपको सारा चीज़ क्लेम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग सब हो गया है यहाँ पर, और 20 मिनट ऑनलाइन वाला भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ क्लेम करके, तो मैं यहाँ पर एमओ चेस वाला नहीं क्लेम करूँगा ठीक है गाइस, यहाँ पर एमओ चेस वाला नहीं क्लेम करेंगे क्योंकि सबको एमओ चेस नहीं मिलता, मतलब मैं चाहूँगा बिना एमओ चेस के हो जाए, क्योंकि ब्लू रूम करना और एमओ चेस तो ऐसे नहीं मिलता ना, तो पहले सिप थी तो सिप से हो जाता था, तो देख सकते हो मैंने एमओ चेस नहीं किया है क्लेम, नहीं तो अभी मैं क्लेम कर लूँगा एमओ चेस वाला, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद करना है, तो 20 मिनट ऑनलाइन रह सकते हो, या फिर आपको ये 3000 मीटर वाला देख सकते हो कवर ग्राउंड, तो ये आप कर लोगे देख सकते हो गया, बिना एमओ चेस के भी आप लोग कर सकते हो बिना 20 मिनट ऑनलाइन रहे, 10 मिनट का काम है गाइस हो जाएगा।
तो देख सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं सारा चीज़ क्लेम करके कितना हमें ट्रेड टिकट मिलता है यहाँ से। तो गोल्ड तो कभी नहीं मिलेगा, ट्रेड टिकट ही मिलेगा, देखते हैं कितना मिलता है। तो देखते हैं, ओ गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें कितने ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड टिकट मिले, 3 ट्रेड टिकट। वाह भाई, तो 3 ट्रेड टिकट इससे चलाया ही नहीं होता भाई, ट्रेड टिकट का 3 ट्रेड टिकट चिंदी चिंदी बटर के क्या होगा। तो देख सकते हो 3 ट्रेड टिकट हमें मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हम लोग बहुत चीज़ अनलॉक कर सकते हो। 3 ट्रेड टिकट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो 3 ट्रेड टिकट हमें यहाँ पर मिला है। आप देखते हैं ज़्यादा, आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग ट्राई करके बताना कि आपको कितना मिला कमेंट में। किसी को 0.5 0.2 0.1 ट्रेड टिकट तो नहीं मिले ना भाई। और अभी गाइस हम लोग आ ही गए, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता ट्रांसपोर्ट का, देख सकते हो टर्न ऑफ लिख रहा है, लेकिन हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट कर लिया तभी भी टर्न ऑफ लिख रहा है, लेकिन हम लोग नीचे वाले पे जाएं मैच रैम्पेज मोड यानी कंपटीशन मोड बाउंटी कंपटीशन, तो उसमें देख सकते हो यहाँ पे आ गया। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट करके देखते हैं कुछ, एक ग्रीन कार्ड देखते हैं और दो तो ट्रेड यूनियन, और यहाँ पे माइनस हो गया लेकिन, और फिर प्लस भी हो गया, ट्रांसफर फेल दिखा दिया। तो वो गाइस देख सकते हो, तो ट्रांसपोर्ट का कोई फायदा नहीं, आप लोग सिर्फ बाउंटी कंपटीशन में ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो यही है दिक्कत गाइस। तो अपने पास अच्छा डिवाइस नहीं तो हम लोग सोलो खेलते। तो यहाँ पर सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा फिर वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।